हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से कल बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो पैसा आया है। वो किन किन का आया है और किन किन का अभी और आ सकता है, आने के चांसेस है, वो हम बात करेंगे। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। आप जैसे मेरे पीछे देख ही सकते हो, ये स्टूडेंट्स का ही है जो कि जिनका कब वेरीफाई हुआ, कब जो है उनका इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया, कब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया, इस तरह से हम डिटेल में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर तरह के छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन जो है आपको पहुंचाए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहला न्यूज गुड न्यूज ही है, सब आप लोगों को अभी गुड न्यूज ही मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये जो है एक स्टूडेंट का है जिनका नाम मैं आपको बताती हूँ, संदीप सोनकर है, इनका नाम संदीप सोनकर है। इनका वेरिफिकेशन जो है 3 फरवरी को दिखा रहा है। ये मैं आपका स्टेटस इसलिए चेक कर दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों का स्टेटस भी जो इस तरह से है तो आप लोग ये सोचो कि आएगा पैसा, कल आया है। तो जैसे इनका वेरीफाई हुआ है 3 फरवरी को, 3 फरवरी में वेरीफाई हुआ है, और बाकी परसेंटेज और सर्टेज आप सब देख सकते हो, 80% है, सब कुछ सही है। अब इनका आया कब है, तो देखो पहले तो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आ चुका है पहले। फिर उसके बाद से अगर हम बात करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट की, तो ये जो है इनको कल मिला है। तो अभी जो है स्टूडेंट का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिनका आ चुका है, उनको अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी कि सेंट्रल वाला पैसा भी आ रहा है। मैं बता दूं कि SC ST स्टूडेंट को ही सेंट्रल वाला पैसा आता है, तो ये सेंट्रल वाला पैसा जो है उनका आना स्टार्ट हो चुका है। कल बहुत ज्यादा स्टूडेंट का जो है, जो SC ST के हैं, उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया है। तो देखो इनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपको मैं दिखा देती हूँ, 6900 आया था, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट इनका जो आया है 4600 आया है। इन्होंने ये भी बताया है कि इनके एक फ्रेंड है, उनका भी आया है, वो भी SC कैटेगरी के हैं, उनका भी। तो SC कैटेगरी का कल सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है बहुत सारे स्टूडेंट को देखने को मिला। और देखा यूपी स्कॉलरशिप का आपको स्टेटस चेक करना है, स्टेटस चेक करने के लिए इस साइट पे आपको विजिट करना है। देखिए सरकारी jobfind.com पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इस साइट पर जो है स्टेटस इजिली चेक करने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23। आप इस साइट पर सिर्फ और सिर्फ जो है स्कॉलरशिप स्टेटस चेक नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट हर तरह की वैकेंसीज आप देखिए, एयरफोर्स हो गया, इंडियन आर्मी हो गई, BSF हो गई, हर तरह की वैकेंसीज जो है यहाँ से आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एडमिट कार्ड जो है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा, जो भी वैकेंसीज आएंगी मिलेगा, स्पेशली टीचिंग की वैकेंसीज भी आपको जो है यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस साइट को जरूर विजिट कीजिएगा, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके साइट को विजिट कर सकती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख लो जितनों का पैसा आया है, लेकिन हाँ ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, कल जो है SC ST स्टूडेंट का ही जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट ज्यादा देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये 59,635 है, ये क्रेडिट हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 1,762 है, ये क्रेडिट हुआ है। अच्छा, बी फार्मा वाले स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो बी फार्मा का भी कल बहुत पैसा आया हुआ है, तो वो भी SC स्टूडेंट का ही है। और यहाँ पे देख लो 26,400 है, ये तो है अभी का आया है, ये 28 तारीख को है, ये आप लोगों को अभी मॉर्निंग में जस्ट आया है, तो आज भी पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है। ये भी आपको 28 तारीख वाला ही है, ये दोनों के दोनों जस्ट मॉर्निंग में पैसा आया है बच्चे का। टाइम देख लो 7:23 में आया है इनका, 7:22 में आया है, सुबह में आया है, उन्होंने बताया है 7:22 और 7:23। तो ये दो हुए ऐसे, जिन लोगों का अभी वेरीफाई हो चुका है उन लोगों का पैसा आ रहा है। अब बात करते हैं OBC एंड जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का, तो आज चांसेस है कि OBC और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का जो है देखने को मिलेगा। आज बहुत सारे जो है OBC एंड जनरल कैटेगरी को आपको देखने को मिल जाएगा। ये सभी के सभी जो मैं बता रही हूँ, ये आप लोग का सेकेंड इंस्टॉलमेंट का ही है जो आज मॉर्निंग में आया है।
तो आप लोग बस वेट करो, यही 3 से 4 दिन है जिसमें कि आपको पैसा मिलना है और बहुत मात्रा में पैसा आ रहा है। देखो जिनका नहीं आ रहा है वो रियली में बोलेंगे कि हाँ नहीं आ रहा, लेकिन हम तो आपको प्रूफ दिखा रहे हैं ना कि इस तरह से जो है पैसा मिल रहा है बच्चों को। तो क्यों आप डिसहार्टेंड हो रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? वेरीफाई है तो होगा, अगर वेरीफाई नहीं है, रिजेक्टेड है या फिर किसी तरह का उसमें प्रॉब्लम है तो फिर दिक्कत है, अदरवाइज जो है पैसा मिल रहा है, बस आपको पेशेंस रखना है और उसके बाद पैसा मिलेगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों का जो है पैसा अभी इस बार देखने को इस 2 से 3 दिनों में या फिर आज देखने को मिल सकता है। देखो आज मैं आपको बता देती हूँ, ओबीसी कैटेगरी का जो है ज्यादा पैसा देखने को मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी का, क्योंकि पैसा बहुत कम ओबीसी कैटेगरी का आया हुआ है, तो ये आप लोगों को देखने को बिल्कुल मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ओबीसी कैटेगरी मिलेगा, जनरल कैटेगरी आज हो सकता है या कल हो सकता है, ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन है, बीएड है, तो अब ये नहीं देखा जा रहा है कि किसका ग्रेजुएशन है, किसका बीएड है, किसका क्या है, पैसा सबका आ रहा है जिनका वेरीफाई हो चुका है, मिक्स करके आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बीएड एंड ग्रेजुएशन को ही ज्यादा भेजा जा रहा है, क्योंकि उनका ज्यादा पेंडिंग है तो आ रहा है। 11th 12th के स्टूडेंट का भी, जिनका बचा हुआ था उनका भी आया है। कल हमने आपके साथ एक मैसेज जो है शेयर किया था जिसमें आपने देखा था कि 11th के स्टूडेंट थे उनका भी आया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो है पैसा आ रहा है, बस पेशेंस रखना है और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसके बाद से कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से देखते रहिए। आए तो हमें भी इन्फॉर्म कीजिए, मैसेज कीजिए जैसे ये बाकी हमारे स्टूडेंट ने किया है कि उसका पैसा आया है। सो थैंक यू सो मच, जो कि आप लोग के जितने भी कमेंट आ रहे हैं उसमें अब मुझे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट दिख रहे हैं कि मैम हमारा पैसा मिल रहा है, हमारा नहीं मिल रहा है, तो कब तक मिलेगा? तो पॉजिटिव रहने की आपको जरूरत है। अब इससे रिलेटेड और भी आप लोग के कोई भी नोटिस भी अगर आएगा तो डेफिनेटली हम आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे ही करेंगे, एंड साथ साथ अगर आप लोग को आपका पैसा मिलता है तो आप भी हमें इन्फॉर्म कीजिए। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।